विशेष तकनीक के जरिए हम अरबिक सीखने की कोशिश करते हैं। ये मेरे सामने गूगल की एक सर्विस ओपन है जिसका नाम है गूगल ट्रांसलेट। आप अच्छी तरह से इसके बारे में जानते हैं और आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, यूज भी किया होगा। और ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि इसमें ट्रांसलेट सही नहीं होता। वो सही इसलिए नहीं होता कि अगर आप इसमें पूरा आर्टिकल लिख करके या पूरी पोस्ट लिख करके अगर आप ट्रांसलेट करने बैठेंगे तो ये कहाँ से सही करेगा उसको। तो इसमें इतना सारा मवाद जो है वो ट्रांसलेट नहीं होता। हाँ, इसमें यह है कि आप एक दो वर्ड या एक दो लाइन्स अगर वो है, सेंटेंस है, अगर उसको अगर आप ट्रांसलेट करते हैं तो ये सही ट्रांसलेट ही आपको दिखाएगा। और मैंने ये आजमाया हुआ है गूगल ट्रांसलेट कि इसमें आप अगर तरीके से काम करो तो ये इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। लोगों को गूगल ट्रांसलेट के बारे में पता है लेकिन इसका सही यूज कैसे किया जाए उसके बारे में उनको पता नहीं है। तो इस कोर्स में मैं जो है वो ज्यादातर मेरी यही कोशिश होगी कि गूगल ट्रांसलेट के जरिए मैं आपको हर चीज का ट्रांसलेट करके बताऊं अरबिक में, ताकि आपको आइडिया हो कि गूगल ट्रांसलेट है क्या चीज। अच्छा, अब जिन लोगों के पास में कंप्यूटर है वो तो गूगल ट्रांसलेट ओपन करके और इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास कंप्यूटर नहीं है वो क्या करेंगे? उनके लिए सलूशन ये है कि गूगल ट्रांसलेट के नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर पर एक ऐप भी मिल जाएगी। उस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें और अपनी लैंग्वेज में लिख करके इस कोर्स को फॉलो करते हुए आप अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं। तो कोर्स का स्टार्ट जो है वो हम गिनती से करते हैं। सबसे पहले हम गिनती सीखने की कोशिश करेंगे कि अरबिक गिनती किस तरह मतलब बोली जाती है बोलने के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहां पर बॉक्स के अंदर सेट कर लेता हूं हिंदी। ये जो बॉक्स बना हुआ नजर आ रहा है, यहां पर आप उस लैंग्वेज को सेलेक्ट करें जो आपको लिखना, यानी जो आपकी लैंग्वेज है, जो आपको लिखना आता है, जैसे हिंदी है या उर्दू है, उसको आप यहां पर सेलेक्ट कर लें। और राइट साइड में जो है वो आप यहां से अरबिक को सेलेक्ट कर लें कि आपको इस लैंग्वेज का तर्जमा सारा जो है वो आपको ट्रांसलेट अरबिक में चाहिए। उसके बाद में आप अपनी जबान में यहां पर लिखें एक। एक आप लिखेंगे तो अरबिक में इसको वाहिद बोलते हैं, लेकिन गूगल ट्रांसलेट सिर्फ वाव दिखा रहा है। तो इस एक जगह मैंने भी थोड़ी सी मिस्टेक देखी कि ये पूरा नहीं शो कर रहा है, पता नहीं क्या वजह है इसकी कि क्या दिक्कत है। तो इस तरह एक को अरबिक में बोलते हैं वाहिद। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दो। मैं यहां लिखता हूं दो, तो दो का तर्जमा आ रहा है स्नान। ये स्नान यहां पर इसका तर्जमा आ रहा है स्नान। साथ साथ में मैं आपको इसका बोलने का लहजा भी बताता चलूंगा ताकि आपके समझ में आ जाए। ये दो को अरबिक में ट्रांसलेट बनता है इसका स्नान। इसको इनका जो अरबी लोग जो बोलते हैं ना उनका लहजा होता है इतनान, यानी इतनैन बोलते हैं ये लोग। ठीक है, एक को बोलते हैं वाहिद, दो को बोलते हैं इतनैन। और उसके बाद में मैं यहां पर लिखता हूं तीन। ये मैंने लिखा तीन, अब ये तर्जमा आ रहा है सलासा। यहां पर एक चीज मैं आपको बताता चलूं, अरबिक लोग जिनकी नेशनल लैंग्वेज अरबिक होती है ये लोग से को ते बोलते हैं, यानी से को ते बोलते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको ये स्नान को इतनान बोलते हैं, तो इसी तरह जो सलासा आ रहा है तो सलासा को ये लोग अरबिक लहजे के अंदर तलाता बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहां मैं लिखता हूं चार। चार को अरबिक में बोलते हैं अरबा, अरबा। ठीक है, अच्छा यहां मैं एक बात आपको अर्ज करता चलूं कि जब भी आप, ये तो मेरा पहला वीडियो है, इंशाल्लाह मैं 30 वीडियो मैंने आपको बताया मैं अपलोड करूंगा, पूरा कोर्स मैं इसका रिकॉर्ड करके और अपलोड करूंगा ताकि आप इस कोर्स को देख करके बहुत कुछ सीख सकें। मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा कि जब भी आप मेरा कोर्स आप अरबी का या इंग्लिश का देखें उस वक्त डायरी और पेन अपने साथ में रखें। ठीक है, इससे फायदा यह होगा कि जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊं आप साथ साथ में लिखते जाएं उसको, क्योंकि एक लिखी हुई चीज हमेशा बाकी रहती है, आप उसको जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। लिखने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इंसान उसे दोबारा देखे या ना देखे लेकिन वो जब लिख लेता है तो उसको ये याद रह जाता है कई बार कि मैंने इस चीज को
इस तरह लिखा था, इसका तर्जमा ये बनता था। अच्छा, अब जैसा मैंने बताया कि यहाँ से मुझे एक आइडिया और मिला कि जिन लोगों को अरबी पढ़ना नहीं आता तो वो अरबी किस तरह सीख सकते हैं। तो एक रास्ता ये भी नज़र आता है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो अभी मैं बोल करके आपको बता रहा हूँ कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं। इधर मैं लिख रहा हूँ और इधर इसका तर्जमा आ रहा है और उस तर्जमे को मैं पढ़ करके आपको बता रहा हूँ कि ये तर्जमा ये लिखा हुआ आ रहा है। तो आप चाहें तो मेरी आवाज़ के साथ साथ भी आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने लिखा चार और यहाँ तर्जमा आ गया अरबा। तो अब जिनको अरबी नहीं आती, पढ़नी भी नहीं आती और लिखनी भी नहीं आती, तो वो लोग अपनी डायरी के अंदर चार के सामने लिख सकते हैं अरबा, यानी चार को अरबा बोलते हैं। इसी तरह जो जो चीज़ें मैं आपको बताता जाऊं, जिनको नहीं आती पढ़ना लिखना दोनों नहीं आता, तो यानी अरबी पढ़ना लिखना नहीं आता, वो मेरी आवाज़ के साथ साथ लिखते जाएं ताकि आपको वो चीज़ याद हो जाए और बिना अरबी पढ़ना जाने भी आप अरबी बोलना सीख सकेंगे। ठीक है, लिखते जाएं साथ साथ में, इसको लिखने से आप ही को फायदा होगा, जल्दी सीखोगे। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। यहां मैं लिखता हूं पांच। पांच को अरबिक में बोलते हैं खमसा। पांच को अरबिक में बोलते हैं खमसा। यह अरबी ट्रांसलेट बिल्कुल सही आ रहा है क्योंकि मुझे आती है, इसलिए मैं ये देख करके बता सकता हूं कि हाँ, ये तर्जमा बिल्कुल सही है। ठीक है, पांच हो गए। एक को क्या बोलते हैं वाहिद, दो को क्या बोलते हैं इतनैन, तीन को बोलते हैं तलाता, चार को बोलते हैं अरबा, पांच को बोलते हैं खमसा। ये मैंने आपको इनके लहजे के मुताबिक बताया कि ये इनके लहजे में ये बोलते हैं, वरना अगर तर्जमा आप देखें तो दो को सलासा बोलते हैं, दो को इतनैन बोलते हैं और तीन को सलासा बोलते हैं, जबकि इतनैन और तलाता ये इनका लहजा है। तो हमें लहजे के मुताबिक अरबी बोलना सीखेंगे तो जल्दी आसान रहेगा और ये लोग हमारी लैंग्वेज को समझ सकेंगे कि क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम जो तर्जमा आ रहा है अगर हम उनके सामने वो चीज बोलेंगे तो शायद वो हम पर हंसेंगे, क्योंकि लिखने में ऐसा होता है कि हमारा लहजा उनका लहजा फर्क होता है दोनों में। तो जैसे मिसाल के तौर पर हम मतलब पाकिस्तान को पाकिस्तान बोलते हैं, इंडिया में पाकिस्तान में सब जगह पाकिस्तान ही बोलते हैं, लेकिन जो अरबी लहजा होता है उसमें पे को बे बोलते हैं, यानी पे को पे होता ही नहीं है इसके अंदर, तो पे को भी ये लोग जो है वो बे बोलते हैं, तो ये पाकिस्तान बोलते हैं उसको। तो ये इनका लहजा है, तो इनके लहजे के मुताबिक जो है वो हमें बोलना सीखना चाहिए, ताकि इससे क्या होगा कि वो हमारी बात को जल्दी समझ सकेंगे और हम उनकी बात को भी जल्दी समझ सकेंगे। अब अरबी हम सीख ही इसलिए रहे हैं कि ताकि हम उनको समझा सकें, तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं का लहजे में अगर हम उनकी लैंग्वेज को सीखेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो जल्दी हमारी बात को समझेंगे। तो मैं आपको साथ साथ में उनका बोलने का लहजा भी बताता चलूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इस कोर्स का मजा आ रहा होगा, आप इंजॉय कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, पांच हो गया। उसके बाद में छह, ये मैंने लिख गलत दिया है, हाँ ये सही है, छः। छः को बोलते हैं सित्ता। अब यहाँ सीन ते लिखा हुआ नजर आ रहा है, सित्ता सित्ता, ये लोग इनका लहजा भी यही है कि छः को ये लोग सित्ता बोलते हैं। इसी तरह मैं लिखता हूँ सात। सात को बोलते हैं सबा। सात को क्या बोलते हैं सबा। उसके बाद में मैं लिखता हूँ आठ। आँच लिख दिया मैं, थोड़ा लिखने में मेरे आठ, हाँ ये सही है। आठ को बोलते हैं समानिया। ये तो इसका तर्जमा हो गया आठ का कि समानिया बोलते हैं। अब इनका लहजा जो है वो आपको अभी मैंने जो पॉइंट बताया था कि ये लोग से को ते बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे ये लोग तमानिया। आठ को जो इसका जिसका तर्जमा बन रहा है समानिया, ये लोग बोलेंगे उसको तमानिया। ठीक है, एक को बोलेंगे वाहिद, दो को इतनैन, तीन को तलाता, चार को अरबा, पांच को खमसा, छः को सित्ता, सात को सबा और आठ को तमानिया। ठीक है, आगे बढ़ें। अब मैं लिखता हूं नौ। नौ को क्या बोलते हैं जनाब, तिसा। नौ को अरबी में बोलते हैं तिसा।
तो इनका जो लहजा है बोलने का वो तिस्सा ही है, तो ये नो को